गाइस, आज मैं आपको ये लोगो बनाना सिखाऊंगा। इस लोगो को बनाने के लिए मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आप इजीली ये लोगो बना सकें। गाइस, चलें हम अपने वर्क की तरफ चलते हैं। गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। गाइस, यहाँ पर मुझे एक नीट पेज चाहिए। यहाँ पर मैंने एक नीट पेज लिया। गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सर्कल लूँगा एंड मैं यहाँ पर सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। ओके गाइस, एंड मैं शिफ्ट की मदद से इस सर्कल को मैंने ड्रा किया। गाइस, मुझे इसकी कॉपी चाहिए। मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है एडिट का। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कॉपी। मैं कॉपी पर क्लिक कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट एडिट पर क्लिक करूँगा एंड पेस्ट इन फ्रंट। ओके एंड गाइस, इस कॉर्नर से मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा अंदर की तरफ एंड शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबा के मैं ड्रैग कर रहा हूँ ताकि मेरा सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बने। ओके गाइस, इस तरह से गाइस जो मैंने सेंटर में सर्कल बनाया है इसकी मुझे कॉपी चाहिए। इस पर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा साइड पर एंड यहाँ पर मैं ऑल्ट की मदद से कॉपी कर रहा हूँ। ओके गाइस, इस तरह से मैंने एक यहाँ पर एक इसी सर्कल की कॉपी रख दी है। एंड गाइज, मैं इस कॉर्नर से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ शिफ्ट का बटन दबा के इस कॉर्नर पर। ओके, इस सर्कल के इस कॉर्नर पर मैं छोड़ दूंगा इसे इस तरह से। ओके गाइज, एंड बिल्कुल सेम इसी तरह से इस सर्कल पर मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ इस तरफ एंड बिल्कुल यहाँ पर मैं इसे ऑल्ट की मदद से कॉपी कर रहा हूँ इस तरह से गाइज। ओके गाइज, यहाँ पर मैंने दो सर्कल बना लिए। गाइज, अब आपने इस सर्कल पर क्लिक करना है एंड शिफ्ट का बटन दबा के नेक्स्ट सर्कल पर क्लिक करना है एंड जस्ट थोड़ा सा ड्रैग करना ऊपर की तरफ। ओके गाइस, एंड इसी तरह से मुझे एक और यहाँ पर सर्कल रखना है सेंटर में, तो मैं यहाँ पर एक सर्कल पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ एंड बिल्कुल सेंटर में मैं यहाँ पर ऑल्ट की मदद से कॉपी कर रहा हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने तीन सर्कल ड्रैग किए हैं। ओके गाइस, एंड इन्हें मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ इस तरह से। ओके अच्छा गाइज, आपने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे ऑल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है शेप बॉर्डर टूल। मैं इसे लेऊंगा एंड शेप बॉर्डर टूल की मदद से मैं यहाँ पर मर्ज कर रहा हूँ। आपने जस्ट इस पर क्लिक करके रखना है एंड ड्रैग करना है। क्लिक करके रखना है एंड ड्रैग करेंगे एंड इस तरह से। ओके गाइज, एंड बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरीके से मैं ड्रैग करूंगा क्लिक करके। ओके गाइस, एंड बिल्कुल सेम इसी तरह से क्लिक करके आपने ड्रैग करना है। ओके गाइस, इस तरह से एंड मैं ओके गाइस, अब मुझे इसमें कलरिंग भी चाहिए और यहां पर आपको जो स्ट्रोक नजर आ रहा है इसे मैंने खत्म भी करना है। ये मैं सब आपको बताऊंगा गाइस। सबसे पहले मुझे यहां पर एक कलर चाहिए। ओके गाइस, यहां पर मैं एक कलर फिल कर रहा हूं। गाइज, मैंने इसे सेलेक्ट किया एक पोर्शन को एंड आई ड्रॉप टूल की मदद से मैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दो कलर रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ऑरेंज पर। देखें गाइज, यहाँ पर एक कलर ऑरेंज कलर फिल हो गया। ओके गाइज, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है ग्रेडियंट का। ओके, यहाँ पर आपने ग्रेडियंट में रखना है इस कलर को ताकि हम ग्रेडियंट बना सके इस कलर का। ओके, इस तरह से एंड नेक्स्ट कलर जो मेरे पास है ये वाला, इसे भी मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा एंड जहां पर मैं इस कलर को रख रहा हूं इस तरह से। ओके गाइस, इस तरह से आप अपनी मर्जी से कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। एंड सिलेक्शन टूल की मदद से गाइस मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा एंड इसमें भी ये कलर कर रहा हूं एंड सेकंड थर्ड जो मेरे पास पोर्शन है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा सिलेक्शन टूल की मदद से एंड इसमें मैं ये बिल्कुल सेम यही कलर फिल कर रहा हूँ। ओके गाइस, गाइस अब आपने इस आल को सिलेक्ट करना है एंड इसके स्ट्रोक को खत्म करना है। स्ट्रोक कैसे खत्म करेंगे, यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है ऊपर स्ट्रोक का। ओके, एंड यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है नन। आप इस पर नन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो स्ट्रोक था वो खत्म हो गया है। ओके गाइस, एंड इसके ग्रेडियंट को मैं ठीक कर रहा हूं थोड़ा सा। आप अपनी मर्जी से कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं एंड मैं इसे थोड़ा सा स्टाइल इसका कलर वगैरह में फर्क आ रहा हूं।
इस तरह से गाइज आप इसमें कलरिंग चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से अब गाइज आप अपने कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। ये देखें गाइज मैंने आपको सर्कल बना के दिखाया एंड इसमें आप कलर वगैरह अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गाइज ये था आज का हमारा वर्क, सिंपल सा। गाइज अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। इस तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, मजीद वीडियो बनाऊंगा एंड ताकि वो आपको फौरन मिल जाए। गाइज ये था आज का हमारा वर्क, नेक्स्ट जो मैं लोगो बनाऊंगा उसकी वीडियो आपको फौरन मिल जाएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। ओके बाय।